किचन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवाब एक रेसिपी। तो फ्रेंड्स, मैं आज क्या बनाऊंगी आप भी देखते रहिए। और एक बात फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बनाऊंगी चावल की आटा और गुड़ की लड्डू। तो फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही टेस्टी होती है लाजवाब। तो सर्दी का मौसम में इनको खाने बहुत मज़ा आता है। तो चावल की आटा की लड्डू बनाने के लिए है ये। मैं पहले चावल की आटा को भून लेंगे। यह मैंने 400 ग्राम चावल की आटा ले लिया है। इसको करीब 10 मिनट तक भुनेंगे मीडियम फ्लेम पे। गैस का फ्लेम मीडियम में रखा है। थोड़ी सी इसका कलर चेंज होने तक भुनेंगे। देखिए, खुशबू भी आ रहा है, कलर भी थोड़ी चेंज हुआ है। अभी इसको दूसरे बर्तन में अलग करके रखती हूँ। आप बुनेंगे तिल, सेसमे सीड। देखिए, इसको 2 मिनट बुनेंगे, इसको ज़्यादा बुनना नहीं ज़रूरत है। लो फ्लेम में बुनेंगे। देखिए इसका कितना फुली फुली हो गया। तो इसको भी साइड करके रखती हूँ। यही चावल की आटा के ऊपर मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बाद में सब एक साथ मिलाना है। आप बुनेंगे, मैंने नारियल कुछ जो सूखी नारियल कुछ मार्केट में मिलती है वही मैंने यूज़ करूँगी। इसको भी थोड़ा सा भून लेती हूँ। देखिए, सारा चीज़ों को एक साथ मिलाना है। अभी बनाएंगे गुड़ का सिरप यानी कि चटनी। यहाँ मैंने 250 ग्राम गुड़ ले लिया है। अभी थोड़ी सी पानी देना है, ज़्यादा पानी नहीं यूज़ करेंगे। देखिए, हमको चटनी इतना चाहिए, तार वाला चटनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी चुपचुपा बन चटनी चाहिए। देखिए, अभी शेक करूँगी। देखिए, हमारा चटनी भी रेडी है, थोड़ी सी चुपचुपा भी लग रही है। अभी चटनी रेडी है। इसको मैं साल के डालूँगी, क्योंकि उसके साथ जो गंदा रहती ना उसको अलग हो जाएगी। अभी मैंने दे दिया 2 टीस्पून घी। आप चाहे तो ज़्यादा यार कम ले सकती है। तभी सारा चीज़ों को इस तरीके से मिलाना है। देखिए, हाथ में थोड़ी सी घी ग्रीस कर ले लिया। अभी इस तरीके करके सारा लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू बहुत ही लाजवाब टेस्ट है फ्रेंड्स, आप भी एक बार ट्राई कर लेना घर पे, देखिएगा बहुत मज़ा आएगा। देखिए, सारा लड्डू मैं बना लिया है, कितना अच्छा अच्छा बढ़िया सा लड्डू रेडी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए रखती हूँ, फिर मिलेंगे और नया एक रेसिपी वीडियो के साथ। तो आज के लिए बाय, खुदा हाफिज़।